सच बात है, लेकिन ये एक क्राइसिस है कि जो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारी एचआर का हिस्सा नहीं बन रही व्हेन दे ग्रेजुएट एंड एंटर द इंडस्ट्री। आज के दिन एनईटी यूनिवर्सिटी में एक फुल डे का नेशन वाइड कॉम्पिटिशन हुआ था कॉल्ड टेक इलाइट, और इसमें स्टूडेंट्स ने ही सारी कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करवाया, स्पॉन्सर्स लिए, सब कुछ। लेकिन इससे पहले कि हम एक लंबी तवील गुफ्तगु की तरफ जाएं जो ये एपिसोड पे बेस्ड है, आके चल के देखते हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली कर क्या रहा है दुनिया भर में। हियर्स द न्यूज़ रूम। 3 मई को पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 75 यूनिवर्सिटीज ने टेक लीड की कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। ये कॉम्पिटिशन NED की CIS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज की और इंडस्ट्री से स्पॉन्सरशिप्स की शक्ल में बहुत सारी कंपनीज ने हिस्सा लिया। TPS, कैलसॉफ्ट, वेव टेक, TRG टेक, साइबरनेट, वतीन, इमेशन और HP के साथ साथ और बहुत कंपनीज ने टेक एलीट और स्टूडेंट्स को सपोर्ट फराहम की। 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल टेक एलीट में स्पीड प्रोग्रामिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और हार्डवेयर प्रोजेक्ट के कैटेगरीज थे। ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक भरपूर अंदाज में NED और टेक एलीट को सपोर्ट दी है। चीफ गेस्ट पाशा के चेयरमैन फैसल कुरैशी ने भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को देखा और ये अंदाजा लगाया कि प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सर सैयद, मेहरान यूनिवर्सिटी, NUST, UIT और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज ने टेक एलीट में हिस्सा लिया। बिट्स एंड बाइट्स ने ये एपिसोड वो सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेट की है जो टेक एलीट जैसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान के लिए नाम कमाते हैं। हमने ये एपिसोड में सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स से बात की है उनकी जाती फ्यूचर से मुतालिक, ये बात की निशानदगी करने के लिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक इंडस्ट्री खुद इन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को सपोर्ट फराहम नहीं करती। हमें बस एक मौका मिल गया था ताकि हम इन स्टूडेंट्स से एक प्लेटफॉर्म पर बातचीत करें। आप लोगों को एपिसोड देखने के बाद शायद ये लगेगा कि हमने टेक एलीट को बहुत नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया है, और ये हमारी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इस इवेंट में इस साल हिस्सा नहीं लिया, आपने एक बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिस की है। टेक एलीट वॉज अनडाउटेडली अ वेरी सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। ये कम्प्लीट IT कॉम्पिटिशन था क्योंकि इसके अंदर हमने नेटवर्क सिक्योरिटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग उसको इंक्लूड किया था। देन सेकेंडली इसके 3 स्टेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ था। एक जगह सेमिनार्स हो रहे थे, इसके अलावा बूथ एरियाज हमने प्रोवाइड किए हुए थे जहाँ पे कंपनीज अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, एंड देन द कॉम्पिटिशन एरिया। तो ये कम्प्लीट प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टूडेंट्स एंड द कंपनीज के वो आकर इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, और जो भी आइडियाज़ होते हैं जो कंपनीज जिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही हैं और स्टूडेंट्स जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, बेसिकली दोनों को एक आइडिया हो जाता है। कंपनीज को भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स किस लेवल पर काम कर रहे हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कंपनीज और स्टूडेंट्स के दरमियान एक ओवरऑल इंटर्नशिप प्रोग्राम और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी एक बहुत अच्छी है। इसके अलावा बस मैं यही कहना चाहूँगा, ओवरऑल ये हमारा एक एनुअल इवेंट है इसके अंदर, और तमाम स्टूडेंट्स से जो इस साल इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, अगले साल प्लीज़ इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक मौका है कि आप इस लेवल पर आके कंपनीज को दिखा सकें कि यू हैव गॉट समथिंग। असल में मसला ये हुआ, उनसे बातचीत करने के बाद ये मुझे फील हुआ कि शायद बिट्स एंड बाइट्स जैसे एपिसोड, जैसे प्रोग्राम्स हमारा अपना एक्चुअल काम नहीं कर रहे। बहुत सारे मसाइल हैं, स्टूडेंट्स को शायद बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, और इंडस्ट्री मेंबर्स को शायद इस बात दिखाने की ज़रूरत है कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और उस वजह से आज ना वेबसाइट के रिव्यूज़ होंगे ना कोई गैजेट का रिव्यू होगा। आज आप स्टूडेंट्स की कहानी, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स के क्रिटिसिज्म इंडस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स के ज़बानों से ही सुनेंगे। बहुत चंद स्टूडेंट्स से मुझे बातचीत करने का मौका मिला था, बट आई वॉन्ट यू टू बी एबल टू लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। इसके साथ साथ मेरे साथ जो होस्ट है समा टेलीविजन पे अनकही प्रोग्राम के, फैसल कुरैशी, हु इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, रादर अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड पाशा, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन है,
इत्तेफाक हुआ कि वो भी यहाँ थे, तो मैंने सोचा कि उनके साथ भी थोड़ी सी गपशप लगा देते हैं। एंड यू विल आल्सो बी एबल टू हियर अबाउट दिस गपशप, उनके तासुरात, मेरे तासुरात, मेरी फ्रस्ट्रेशंस, उनकी फ्रस्ट्रेशंस, इसके साथ साथ कि हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में। और इसी को साथ साथ लेते हुए, दिस इज़ व्हाट दिस एपिसोड इज़ ऑल अबाउट। सो इट्स अ स्पेशल एपिसोड ऑन अ क्राइसिस, नॉट अ रेगुलर एपिसोड, अ स्पेशल एपिसोड। टेक अ लुक एट दिस। आपको क्या लगता है, वो लोग क्या गियर्ड अप हैं इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए और कुछ काम करने के लिए? बिल्कुल। क्यों? इस ठंडी आग के साथ बोलूँगा, ये बहस मेरी बड़े ज़माने से चल रही है इंडस्ट्री के साथ भी, सॉरी इंडस्ट्री के साथ भी और यूनिवर्सिटी के साथ भी, कि ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं फी प्रोजेक्ट, अगर आप देखें 3 से 4 बच्चे इन्वॉल्व और कम अज़ कम 6 महीने और तकरीबन 1 साल का वक्त लगा, 1 साल ज़रा 4 लोग 4 साल Four man years okay. have gone to projects जिनकी कोई direction ही नहीं है। टेक्निकली बहुत उन्होंने जौहर दिखाए और बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़हीन हैं, लेकिन उनकी मैं हर किसी से पूछता हूँ कि बेटा अभी ये हो गया, अब इसका क्या करोगे, तो वो मुस्कराते हैं और उनको समझ नहीं आता क्या करेंगे इसका, इस सवाल का मतलब क्या है। मतलब ये 4 साल है वो प्रोजेक्ट मशहूर क्यों नहीं हुआ? अगर हम बाकी दुनिया में देखें तो यूनिवर्सिटीज़ से कितनी भयानक किस्म के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। बिल्कुल, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में तो जिस तरह इनक्यूबेटर्स होते हैं, एग्जैक्टली जो ये 4 साल होते हैं, वो बच्चे लेट्स से पहले साल अपने फंडामेंटल्स बेसिक्स करते हैं, दूसरे साल शायद थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई करते हैं, सीखते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स देखते हैं। जिस तरह आपने एक मशवरा किसी को दिया था कि आप 2-4 हफ्ते दूसरे के प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल करें, उसको देखें, और फिर आखिरी 2 साल जो होते हैं, इट्स एसेंशियली एन इंक्यूबेशन मोर देन एनीथिंग एल्स। प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली है रियल टाइम फेस रिकग्निशन। मकसद ये है कि बहुत सारे रिकग्निशन सिस्टम जो है इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि थंब रिकग्निशन है और आईरिस रिकग्निशन है। मैं जिस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ ये है कि जो यूज़र है उसकी कन्वीनियंस को, फॉर इंस्टेंस आपको थंब रिकग्निशन में अपना अंगूठा जाके मशीन के ऊपर रखना पड़ता है, और आईरिस रिकग्निशन के अंदर आपको अपना आईरिस की तस्वीर बहुत करीब से जाकर खिंचवानी पड़ती है। थंब रिकग्निशन का एडवांटेज ये है कि बहुत दूर से अगर कैमरा प्लेस हो, कैमरे जो आजकल काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, थोड़ा दूर भी कैमरा प्लेस हो आप अपनी फेस रिकग्निशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक मोशन डिटेक्टेबल फ़ोन है। मोशन डिटेक्टेबल फ़ोन हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो, उसके अंदर हमने ये काम किया है कि आपने देखा होगा आईफोन से मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो आपके कुछ मोशन सेंसिबल जो है वो फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आप जो है वो मोबाइल जो अपना राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपके स्क्रीन को टिल्ट कर देती है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर को यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने एक प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच यूज़ की है, जिसके अंदर हम अपना मोबाइल जो है वो एक्चुअली मूव करेंगे तो मोबाइल का जो कैमरा होगा वो कंटिन्यूस इमेज कैप्चरिंग करेगा और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि हमारा मोबाइल जो है किस डायरेक्शन में यूज़ हुआ है। हम लोगों ने गुलशन टाउन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे अपना प्रोजेक्ट बनाया है, जो डेटा बेस का प्रोजेक्ट था हमारा लास्ट ईयर का, और उसमें हमने जो बेसिकली वो लोकेशन जो गुलशन टाउन में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक इंस्टीट्यूशंस गुलशन टाउन में कितने हैं, या हॉस्पिटल्स, या फिर पब्लिक प्लेसेस, पुलिस स्टेशन, एमरजेंसी सेंटर्स, ये चीज़ें जो हैं वो हमें लैक नज़र आया कि हम ऐसी कोई सर्विस देख सकें जो वेब बेस्ड नहीं हो, तो इसलिए हमने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन की। साथ ही उसके लिए उसमें मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रियल एस्टेट एजेंट्स को फोकस कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिज़नेस हो रहा है हमारे यहाँ पे तो वो ज़्यादा फोकस हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि चार्ट्स वगैरह होते हैं, मैप्स होते हैं, मैनुअल मेडिंग मैप्स होते हैं जो आप देखते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के पास, तो वो उसकी एलिमिनेशन हो सकती है इस रेफरेंस से कि उसमें आपको क्लियर सेटेलाइट इमेजेस नज़र आ रही हैं ऊपर से, प्लस आप उसमें इंफॉर्मेशन लाइक वीडियोस और इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बस रूट्स उसके ऊपर अवेलेबल हैं, आप ये क्यूरी कर सकते हैं कि आप नीपा पे खड़े हैं और आपको जाना है मलीर टाउन या फिर आपको जाना है कोरंगी, तो वो आपको ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रोवाइडेड है कि आपको मालूम हो जाए। प्रोजेक्ट ये है कि हमारे यहाँ जो भी इस वक्त एग्जामिनेशन एग्जिस्ट करता है वो ट्रेडिशनली पेपर बेस्ड है पूरा। ये मेरा सिस्टम है वो एक फास्ट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट जिस वक्त भी पेपर ख़त्म करेगा उसका एट द मोमेंट रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो मैंने जब ये सिस्टम डेवलप किया था तो मैंने यूनिवर्सिटी के सिनेरियो कंसिडर करके बनाया था। उसके अलावा ये कि ये हर लेवल इम्प्लीमेंटेबल है, यानी कि अगर कोई भी स्कूल इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
कोई कोचिंग सेंटर्स कम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसके हिसाब से भी कम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक और चीज़ है, जिस तरह पुराने ज़माने में मतलब इन 2000 हम ये क्रिटिसाइज़ करते थे कि बहुत सारी बुक लर्निंग, रोट लर्निंग है। अब मुझे ये लगता है कि रोट लर्निंग किताब की बजाय एक कंप्यूटर सिस्टम पे आ गई है। अगर आपको कोडिंग आती है, यानी कि आपने सब कुछ सीख लिया, उसका अभी भी कोई ह्यूमन इंटरेक्शन या एलिमेंट नहीं है, इज दैट राइट? बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, वो एक ही फॉर्मूला चीज़ है ना। उनको ये